अरे भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीराइड, ये रेमडेसिविर, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है, अब फिर भी ठोके जा रहे। डर 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 बनना है डर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टर? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। दोस्तों जय हिंद। योग गुरु स्वामी रामदेव को तो आप जानते ही होंगे, उनकी हर बात को लेकर एक मंशा होती है कि अगर कोई व्यक्ति बाबा रामदेव के खिलाफ अगर बोलता है या आपत्ति जाहिर करता है तो उन चीजों को खुद को योग से जोड़ते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाबा रामदेव का विरोध करने का मतलब यह है कि वो शख्स जो है वो रामदेव का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि वो शख्स जो है वो आयुर्वेद का विरोधी है। और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बाबा रामदेव का अपमान मतलब आयुर्वेद का अपमान, बाबा रामदेव का अपमान मतलब कि योग का अपमान। तो आप समझ लीजिए कि क्या इस देश में जो कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद के पक्ष में बोलेगा तो क्या बाबा रामदेव उसे अपना पक्ष मान लेंगे? तो क्या सिर्फ बाबा रामदेव ही एक पहचान हो चुके हैं आयुर्वेद का? क्या बाबा रामदेव ही सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं योग का? तो ऐसा नहीं है। मीडिया और तमाम चमचमाते चेहरों को आगे खड़ा करके जिन लोगों के जरिए आप बाबा रामदेव को देखते हैं वहां मोटी मोटी रकम रखी जाती है। तमाम टीवी चैनलों पर बड़े बड़े विज्ञापन जो आप देख रहे हैं ये कोई स्वदेशी के हित में फ्री में मुफ्त में चलाए गए विज्ञापन नहीं है, उसके पीछे करोड़ों लाखों का टर्नओवर होता है, तब जाकर के बाबा रामदेव अपनी मार्केटिंग का प्रचार कर पाते हैं, अपनी इतनी बड़ी मार्केटिंग कर पाते हैं। उसी के साथ ही आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब आईएमए के साथ उनका लफड़ा चल रहा है तो भी वो इसे हर चीज को कहते हैं कि वो लोग बाबा रामदेव का विरोधी नहीं बल्कि वो लोग आयुर्वेद के विरोधी हैं। वो अपने आप को आयुर्वेद का पर्याय मान लेते हैं, कहते हैं कि बाबा रामदेव का मतलब आयुर्वेद का, योग का विरोध। अब इसी मामले में आप यह समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन को लेकर के बाबा रामदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिस वैक्सीन को लेकर के गांव देहातों में यह कहा जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन लेने का मतलब कि आदमी का काम तमाम, वैक्सीन लेने का मतलब कि उसकी जिंदगी खत्म। तो ये जो भ्रम फैलाई जा रही है ये बड़ी भयानक है और ये भ्रम अब फैलाने का काम कर रहे हैं खुद बाबा रामदेव। और हम आपको अपने इस एपिसोड बताएंगे कि बाबा रामदेव कैसे ये भ्रम फैला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान जब बाबा रामदेव से पूछा गया कि क्या आप वैक्सीनेशन करवाएंगे अपना, क्या आप टीका लेंगे, वैक्सीन लेंगे, तो पता है क्या जवाब देते हैं? बड़ा ही दिलचस्प। वो कहते हैं नहीं, वैक्सीनेशन वो नहीं कराएंगे क्योंकि इसके लिए उनके पास योग का सुरक्षा प्राप्त है, मतलब कि उनके पास योग का आयुर्वेद की सुरक्षा है, इसलिए वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। तो बाबा रामदेव क्या ये बात भूल गए हैं कि इस देश के गांव गांव में देहातों तक में लोग आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, एलोपैथिक दवाओं के बारे में ज्यादा ना जाने, लेकिन गांव देहातों तक लोग ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का नाम जानते हैं जो बाबा रामदेव को नहीं पता होगा, ऐसे ऐसे दवाओं का नाम जानते हैं, ऐसे ऐसे दवाओं को आयुर्वेद की दवाओं के बारे में वो जानते हैं जिसे लोग नीम हकीम कहते हैं, लेकिन वो दवाएं असरदार भी होती हैं। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे अपना, क्यों? क्योंकि उनको योग से सुरक्षा प्राप्त है। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया है, वो बड़ा दिलचस्प है, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो आपको हंसी आएगी बाबा रामदेव की मानसिकता पर और उन टीवी चैनलों के ऊपर भी लानते भेजने का मन करेगा जो इनको बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनका जमकर प्रचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव से जब पूछा गया कि रामदेव कोरोना की वैक्सीन कब लेंगे तो कहते हैं वैक्सीन लेने के लिए बच्चे और बुजुर्ग हैं, अभी 100 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए बचे हुए हैं, उनका वैक्सीन लगना चाहिए 100 करोड़ लोगों को। मैं इतना हट्टा कट्ठा हूं, इतना फिट फाट हूं, बिल्कुल मेरा जो है बीपी ठीक है, लीवर ठीक है और इम्यूनिटी अच्छी है, इनकी इम्यूनिटी अच्छी है इसलिए अब नहीं लेंगे। रोजाना 500 बार उठक बैठक कर लेता हूं, दंड बैठ कर लेता हूं, ये इनकी भाषा है। सबसे पहले कमजोर लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, मैंने अपना नाम अंतिम सूची में लिखवाया हुआ है, मैं वैक्सीनेशन का जो है समर्थक हूं। ये कहते हैं कि मैं वैक्सीन का समर्थक हूं, वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन मेरा नंबर जो है फिलहाल अभी नहीं आना चाहिए, मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाऊंगा। तो अब आप ये बताइए, तो जिसके इतने बड़े फॉलोअर्स हो, जो इतना बड़ा समर्थक हो मेडिकल का,
जो आयुर्वेद का समर्थक हो, जनहितैषी हो, जो जन जन को स्वस्थ देखना चाहता हो, सेहतमंद देखना चाहता हो, स्वस्थ देखना चाहता हो, जो पूरे दुनिया में स्वदेशी का राग अलापता हो, तो ऐसे स्वदेशी बाबा रामदेव को स्वदेश में बनी वैक्सीन से बहुत आपत्ति है। कहते हैं कि नहीं, मेरा नंबर पहले नहीं आएगा, पहले बाद में सबका आ जाए, मैं तो सबसे अंतिम सूची में नाम लिखवा रखा है। कौन सी सूची है बाबा जी, जरा बता दीजिए कौन सी सूची है जिसमें आपका नाम अंतिम सूची में लिखा हुआ है और आप सबसे अंत में आप लगवाएंगे, क्या है आप? अब बाबा राम जी, बाबा रामदेव के बारे में आप इतना जान लीजिए, जब ये कह रहे हैं कि इनको योग से सुरक्षा मिली हुई है, ये फिट फाट हैं, योग से एकदम तंदुरुस्त हैं, ये यहां तक कहते हैं बाबा रामदेव कि वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए, मैं वैक्सीनेशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो अगर वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, डबल डोज ले चुके हैं, उन्हें भी जो है आयुर्वेद की डबल डोज ले लेने से ये फायदा होगा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बाबा रामदेव का दावा है, मेरा शब्द नहीं है ये। तो ऐसे में सवाल है कि बाबा रामदेव अपने भक्तों के बीच में क्या प्रचार करना चाहते हैं? आटा से लेकर तेल, नमक, सत्तू, ये सब बेच रहे हैं बाबा जी। और बीच में आपने देखा कि किस तरह से कोरोनिल दवा को लेकर के गुस्से में हो जा रहे थे, कह रहे थे कि जब हर चीज के लिए आया मैं अप्रूवल दे रहा है तो मेरी जो है दवाई को अप्रूवल क्यों नहीं दिया? तो इनकी वो दवाई है जिस अपनी बूटी को बेचवाने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों को लेकर अपने पास बैठाते हैं। इनकी वो बूटी है जिसके लिए ये दावा करते हैं कि WHO से मान्यता मिल गई है और WHO खुद इनको कहता है कि नहीं भाई ये फर्जी बातें हैं। तो ये बाबा रामदेव हैं और इस तरह से अपनी बूटी बचवाने के लिए ये किस हद तक झूठ नहीं बोलने के लिए तैयार है। तो बाबा रामदेव की तो महिमा बड़ी अपरंपार है। बाबा रामदेव अभी हाल ही में कह रहे थे कि 2000 डॉक्टर तो ऐसे ही खत्म हो गए, कितने हजार डॉक्टर तो ऐसे ही खत्म हो गए डबल डोज लेने के बाद। तमाम तरह से जो है एलोपैथ के डॉक्टरों के बारे में उल्टी सीधे बयान आप ये देते हैं। आपको ये बता दें कि ये आयुर्वेद से खुद को सुरक्षित बताते हैं और इन्हीं के क्षेत्र में जो है कई कोरोना के पेशेंट मिले हैं, कई लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये कोरोना की सुरक्षा कहां गई? जिसको ये कह रहे थे कि योग के जरिए हमें सुरक्षा मिली हुई है, कोरोना नहीं होगा, वह कोरोना कहां से आ गई? इनका खुद का डेयरी संचालक जो है, डेयरी संचालन देख रेख करने वाले जो हैं बंसल साहब, यहां से चले गए। तो आखिर कैसे, कहां की ये बात कर रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ अपने नमक तेल सत्तू को बिछवाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं? क्या बाबा रामदेव को सिर्फ इससे मतलब है कि इनका प्रोडक्ट बिकता रहे? जिस देशभक्ति का यह हवाला देते हैं, देशभक्ति स्वदेशी का हवाला देते हैं, इनके आंवले से लेकर के इनके सरसों के तेल से लेकर के कहां नहीं मिलावट पकड़ी गई है? आखिर देशभक्ति किसके लिए दिखा रहे हैं? देश की एक सेना के कैंटीन ने इनके प्रोडक्ट को बैन कर दिया, कहा कि नहीं इसमें मिलावट मिला हुआ है, इसमें मिलावट है इनके प्रोडक्ट में। तो अब आप समझिए कि देशभक्ति सिर्फ इनके लिए दिखावा मात्र है और उसी देशभक्ति का हवाला दे करके अपने ये प्रोडक्ट को बेचवा रहे हैं और दिन रात जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेडिकल कर्मियों के खिलाफ, IMA के खिलाफ। और ये खुद को आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरे देश में अगर कोई आयुर्वेद का मतलब अगर है तो वो बाबा रामदेव है, योग का अगर कुछ मतलब है तो बाबा रामदेव है। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आयुर्वेदिक हैं जिनकी दवाएं हमेशा आप देखेंगे कि बिकती रहती हैं, क्या वो इस देश की नहीं है? क्या वो इस देश में बनाने वाली कंपनियां नहीं, वो सारी कंपनियां विदेशी हैं? क्या वो विदेश के लोगों को सप्लाई देती हैं? उनका प्रोडक्ट देश के लोग नहीं करते? ये अपने जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल स्वदेशी का ब्रांड बताकर करते हैं उसमें बहुत सी बार धोखेबाजी मिलती है, नकली दवाइयां तक इनके सामने आ जाते हैं, बहुत से ऐसे मामले देखने को आते हैं। लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर असीम कृपा बनी हुई है, जिसको उन्होंने कहा था ना कि फलाने का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो ये इनके बाप के ऊपर एक कृपा बनी हुई है, जिस तथाकथित पिता के ऊपर, तथाकथित बाप के ऊपर। फिलहाल रामदेव के ये जो वैक्सीन ना लेने वाली बात है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारी YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी बने रह सकते हैं। इसके साथ ही आप timesmail.in पर भी लॉगिन करके खबरों को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।